गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम वेल हियर एंड आई होप ऑल ऑफ यू आर ऑल्सो वेल। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने मोशन के बारे में पढ़ा था, बहुत सारे टाइप्स को हमने देखा था। हम आज उससे आगे देखेंगे और साथ में टाइप्स ऑफ मोशन के साथ साथ उसके एग्जांपल्स को लेकर और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेजरमेंट को भी आज हम देखेंगे। सो लेट अस स्टार्ट आवर चैप्टर, जो कि था चैप्टर नंबर 10, मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ टाइम। मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ टाइम। ऑफ टाइम, ठीक है बेटा। तो यहां पर हमने उस दिन डिस्कस किया गया था कि जब भी कोई बॉडी अपना पोजीशन टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज करेगा तो हम कहेंगे क्या कि वो किस में है, मोशन में। लेकिन कंडीशन ये होना चाहिए कि उसका पोजीशन भी बदलना चाहिए। पोजीशन अगर सेम रहेगा तो हम नहीं कह सकते ऐसा। मीन्स व्हाट कि मोशन के लिए ये बात फिक्स है कि वेन एवर अ बॉडी चेंजेज इट्स पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम एंड अ फिक्स रेफरेंस पॉइंट, इट इज सेड टू बी इन मोशन। क्लियर है? मोशन के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है बेटा वो क्या है हमारा, वो ये है कि मोशन कितने टाइप के थे। तो उसमें मैंने आपको सबसे पहले रेक्टिलिनियर के बारे में बताया था कि रेक्टिलिनियर क्या है। आज मैं आपको बस ये बता देता हूं, ये लिखूंगा नहीं मैं, कि रेक्टिलिनियर क्या है। रेक्टिलिनियर के बारे में हम ये कहते हैं कि ये एक ऐसा मोशन है जिसमें बॉडी हमेशा ही स्ट्रेट लाइन की ओर ट्रेवल करती है। मीन्स वर्ड द मोशन इन विच अ बॉडी ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। या फिर इसको सीधा सीधा स्टेटमेंट में अगर हम लिखे तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन के अंदर जो मोशन है उसी को हम क्या कहेंगे, मोशन इन स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। जब भी मोशन स्ट्रेट लाइन का होगा तो हम उसको क्या कहेंगे बेटा, रेक्टिलिनियर मोशन। दूसरा हम क्या कहते हैं, कर्व लीनियर मोशन। कर्व लीनियर मोशन किसको कहते हैं? कर्व लीनियर मोशन के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये एक ऐसा मोशन है जिसमें बॉडी स्ट्रेट पाथ को छोड़कर बाकी और कोई भी पार्ट अपना सकती है। मतलब एक ऐसा मोशन जिसमें बॉडी स्ट्रेट लाइन को छोड़कर बाकी किसी भी तरह के मोशन में अगर है तो हम कहेंगे क्या कि वो मोशन कर्व लीनियर मोशन है। मोशन एक्सेप्ट इन स्ट्रेट लाइन, इन ठीक है, मोशन एक्सेप्ट इन स्ट्रेट लाइन। मोशन सिवाय किसके, स्ट्रेट लाइन के, क्या कहलाता है, कर्वलीनियर मोशन। तीसरा मोशन क्या है बेटा, तीसरे मोशन के लिए मैंने आपको बताया था सर्कुलर मोशन। नहीं, सर्कुलर मोशन क्या होता है, वेन एवर अ बॉडी ट्रेवल्स ऑन अ सर्कुलर पाथ द मोशन इज सेड टू बी इन सर्कुलर मोशन। जब भी कभी कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर पाथ पर ट्रेवल करती है तो हम कहते हैं क्या कि वो मोशन कैसा है, सर्कुलर मोशन है। जैसे कई बार एक गेम होता है, एक गेम क्या, एक जब हम सर्कस देखने जाते हैं तो उस समय क्या होता है कि एक कुआं सा बना होता है और उसके ऊपर कोई मोटर बाइक को इस तरह से घुमाता है, नहीं ऊपर में, तो ये कौन सा मोशन है बेटा, सर्कुलर मोशन है। सर्कुलर मोशन क्यों है, क्योंकि सर्कुलर मोशन की एक बहुत खास बात होती है कि आप जहां से स्टार्ट करोगे ना फिर आप वहीं पहुंच जाओगे, जबकि इन दोनों मोशन में ऐसा नहीं होता है। सर्कुलर मोशन के बारे में कहते हैं क्या कि ये रिपीटेटिव मोशन है, मतलब वो अपना रास्ता फिर से उसी जगह पर लेकर आ जाता है। जैसे घड़ी के सुइयों की बात कर लो, अगर 12 बजे से स्टार्ट होगा तो फिर से 12 बजना ही बजना है, मतलब क्या कि फिर उसके बाद वो अपने पोजीशन को क्या करेगा, रिपीट करेगा। तो एक ऐसा मोशन जिसमें बॉडी सर्कुलर पाथ पर मूव करती है उसको हम क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन। द मोशन इन विच अ बॉडी ट्रेवल्स ऑन अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। इसके लिए हम क्या कहेंगे, द मोशन In which a body travels
ऑन अ सर्कुलर पाथ, ऑन अ सर्कुलर पाथ, एक ऐसा मोशन जिसमें कोई भी बॉडी जो है वो सर्कुलर पाथ पर मूव करती है, उसी को हम क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन एक ऐसा मोशन है जिसमें कोई भी बॉडी किस पर पाथ मूव करती है, तो हम कहेंगे क्या कि सर्कुलर पाथ पर मूव करती है। और कोई भी मोशन ऐसा हो जिसमें बॉडी सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव करे, उसको हम क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन। एग्जाम्पल, मोशन ऑफ नीडल ऑफ द वॉचेस, मोशन ऑफ द नीडल ऑफ वॉचेस, ठीक है, मोशन ऑफ द नीडल ऑफ वॉचेस। नेक्स्ट एक और बात है कि अगर आपको ये डेफिनेशन पता नहीं है तो हमेशा ध्यान रखना कि द मोशन इन विच द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट ऑफ द बॉडी रिमेन सेम, एक ऐसा मोशन जिसमें शुरुआत और अंत दोनों एक ही जगह पर हो, उसको हम क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन। क्लियर है? एक ऐसा मोशन जिसमें अगर हम जहां से शुरुआत करते हैं वहीं पर आकर दोबारा रुक जाते हैं, उस तरह का मोशन क्या कहलाता है, सर्कुलर मोशन। जैसे एग्जांपल देखो, एक पॉइंट है ए, यहां से अगर हमने स्टार्ट किया और फिर हम यहीं इसी पॉइंट पर पहुंच गए, ये क्या है कि जहां हमने स्टार्ट किया था वहीं पर हम पहुंच गए, इस तरह के मोशन को हम क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन। लेकिन कंडीशन ये भी है कि वो पाथ कैसा होना चाहिए, सर्कुलर होना चाहिए, वो पाथ कैसा होना चाहिए, सर्कुलर होना चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा, अब नेक्स्ट मोशन है रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन ये भी क्या है बेटा, एक तरह से सर्कुलर मोशन ही है। रोटेशनल मोशन भी एक तरह से क्या है, सर्कुलर मोशन है। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या होता है कि सर्कुलर मोशन में बॉडी पोजीशन चेंज करती चली जाती है। देखो यहां, अगर मुझे दिखाना है कि मैं सर्कुलर मोशन में हूं तो मुझे इस तरह से चलना पड़ेगा, नहीं? लेकिन ये कौन सा मोशन है, ये आपको सर्कुलर मोशन, मैं डिफरेंस बता रहा हूं कैसे है, सर्कुलर मोशन ही लेकिन कुछ डिफरेंट है। अब रोटेटरी मोशन अगर मैं आपको दिखाऊं, या रोटेशनल मोशन जिसको कहते हैं, तो रोटेटरी या रोटेशनल जो भी है एक ही है, रोटेटरी या रोटेशनल सेम है। तो रोटेशनल मोशन और रोटेटरी मोशन में क्या होता है, ये फिक्स रहेगा, ये जो है ये फिक्स रहेगा, और इसमें लगी हुई बॉडी कैसे मूव करेगी। अब आपको शायद अंदाजा लग गया होगा मैं किसकी बात कर रहा हूं, फैन की बात कर रहा हूं। फैन में क्या है कि वो अपना पोजीशन बदले बिना क्या करती है, गोल गोल घूमती है। समझ में आई बात? ऐसी कोई भी बॉडी, ऐसा कोई भी मोशन जिसमें बॉडी अपना पोजीशन चेंज किए बिना सर्कुलर पाथ पर अगर मूव कर पाती है, तो हम उस तरह के मोशन को क्या कहते हैं, रोटेशनल मोशन कहते हैं या रोटेटरी मोशन कहते हैं। रोटेटरी मोशन या रोटेशनल मोशन एक सर्कुलर मोशन है जिसमें बॉडी अपना पोजीशन बदलती नहीं है। वैसे सर्कुलर मोशन में बॉडी पोजीशन बदल लेगी, लेकिन रोटेशनल मोशन में क्या होता है, द बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन। क्लियर है? बट स्टिल इट मूव्स इन सर्कुलर मोशन। द सर्कुलर मोशन इन विच अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन। आई होप क्लियर है, देखते हैं अभी। द मोशन इन विच अ बॉडी विदाउट चेंजिंग इट्स पोजिशन पोजिशन मूव्स ऑन अ सर्कुलर पाथ, मूव्स ऑन अ सर्कुलर पाथ। या फिर इसी को दूसरे वर्ड्स में हम क्या लिख सकते हैं,
द मोशन इन विच अ बॉडी ठीक है मूव्स ऑन अ सर्कुलर पाथ without changing its position. ठीक है बेटा अब देखो यहां पर क्या कहा मैंने कि कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर पाथ में मूव करेगी बिना अपना पोजीशन चेंज किए तो वो क्या कहलाएगी कि किस मोशन में है तो हम कहेंगे क्या रोटेटरी मोशन में. अब यहां पर क्या है एग्जाम्पल अगर हमसे कोई पूछेगा तो एग्जाम्पल में हम क्या कहेंगे मोशन ऑफ फैन या फिर टायर ऑफ बाइसाइकिल. बाइसाइकिल का जो टायर है वो भी क्या है ऐसे ही मोशन में है. आई होप क्लियर है आपको क्योंकि आपने देखा होगा कि पहिया घूमता रहता है लेकिन पहिया खुलकर कहीं नहीं जाता एक ही जगह पर रहकर वो सर्कुलर मोशन करता रहता है. तो इस तरह के मोशन को हम क्या कहते हैं रोटेशनल मोशन. आई होप क्लियर है कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक. अच्छा यहाँ पर एक और डिफरेंस भी आपको जानना चाहिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सर्कुलर मोशन मोशन और रोटेशनल मोशन. नहीं सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन में क्या डिफरेंस. सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन में डिफरेंस क्या है वो देखिए. तो हम कहेंगे क्या कि इन सर्कुलर मोशन मोशन द बॉडी चेंजेज its position while moving on a circular path. The circular motion in which the body does not changes its path, sorry, its position. While moving in a circular path, yeah, moving on a circular path. कोई प्रॉब्लम नहीं है मतलब एक ऐसा मोशन जिसमें बॉडी डज नॉट चेंजेज इट्स पोजिशन. एक ऐसा सर्कुलर मोशन जिसमें बॉडी डिफरेंस क्या हो गया सर्कुलर जो प्योर सर्कुलर मोशन होगा उसमें बॉडी पोजीशन चेंज करेगी. रोटेटरी मोशन जो होगा या रोटेशनल मोशन जो होगा उसमें बॉडी अपना पोजीशन नहीं चेंज करेगी लेकिन फिर भी वो मूव करेगी. कैसे क्या करेगी मूव करेगी किसमें मूव करेगी तो हम कहेंगे क्या कि वो मूव करेगी आपको सर्कुलर पाथ में. आई होप क्लियर है कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो हमने जो ये तीन चार टाइप के मोशन को पढ़ा है उसमें हमने क्या क्या पढ़ा रेक्टिलिनियर कर्वलिनियर रोटेटरी सर्कुलर. अब हम नेक्स्ट पॉइंट में डिस्कस करेंगे बेटा मेजरमेंट की. किसकी बात करेंगे मेजरमेंट की. मेजरमेंट क्या है मोशन तो हो गया यहां
अब क्या है मेजरमेंट, तो पहले मेजरमेंट समझ लेते हैं फिर उसके बाद ऑफ टाइम समझें, ठीक है। मेजरमेंट मतलब क्या होता है, मेजरमेंट का मतलब होता है माप, किसी भी चीज को मापना क्या कहलाता है मेजरमेंट कहलाता है, किसी भी चीज को मापना क्या कहलाता है मेजरमेंट कहलाता है, चाहे वो मेजरमेंट मतलब क्या है, इट इज द प्रोसेस ऑफ मेजरिंग एनीथिंग, इट इज द प्रोसेस ऑफ मेजरिंग एनीथिंग, किसी भी चीज को मेजर करने का जो प्रोसेस है वही क्या कहलाता है बेटा मेजरमेंट, ठीक है। अब मेजरमेंट के बारे में दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि क्या है मेजरमेंट के बारे में, दूसरी बात ये है कि इट कैन बी डन फॉर एनीथिंग, इट कैन बी डन फॉर एनीथिंग एनीथिंग आइदर मास, वेट, लेंथ, इट इज, ये किसी भी चीज के लिए हो सकता है मेजरमेंट जो है वो किसी भी चीज के लिए होता है, जैसे लेंथ के लिए, उसके बाद मास के लिए, वजन के लिए, वेट के लिए जो एक फोर्स है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी के लिए, बल्ब के लिए, जो लाइट हम लेते हैं उसके लिए, सभी चीजों के लिए मेजरमेंट है। आप देखते हैं ना कि हम जो इलेक्ट्रिसिटी जो जलाते हैं, जो बिजली जलाते हैं, उसके लिए हमें बिल चुकाना पड़ता है, तो वो बिल क्या है, मेजरमेंट है, वो माप है कि हमने कितनी बिजली एक महीने के अंदर जलाई है। आई होप क्लियर हो रहा है ये सब। अब हम क्या कहेंगे कि ये सब चीज जो है जो मेजर होता है, तो मेजरमेंट के लिए कहीं ना कहीं सभी चीजों के लिए एक ही चीज तो इस्तेमाल नहीं होता होगा। जैसे हम देखते हैं क्या कि बिजली में क्या होता है, यूनिट होता है, नहीं, उसी तरह अगर हम बात करेंगे तो अगर लेंथ की बात करें तो उसमें मीटर होता है, किलोमीटर होता है, सेंटीमीटर होता है, ये सारी चीजें होती है। वहीं पर अगर हम टाइम के लिए करें तो सेकेंड होता है, आवर होता है, मिनट होता है। तो इसमें कौन सा यूनिट हमें लेना चाहिए, कौन सा जो है, जैसे टाइम ही है, उसमें सेकंड लेना चाहिए, मिनट लेना चाहिए कि आवर लेना चाहिए, तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। उसके लिए मेजरमेंट से पहले एसआई यूनिट को हमें देखना पड़ेगा। एसआई यूनिट ये क्या है बेटा, इसका फुल फॉर्म है सिस्टम इंटरनेशनल द यूनिट्स, ठीक है। ऐसा यूनिट का मतलब होता है सिस्टम है इंटरनेशनल द यूनिट्स, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है फ्रांस में। अब इसको सिस्टम है इंटरनेशनल इसलिए कहते हैं बेटा क्योंकि इट इज एक्सेप्टेड थ्रू आउट द वर्ल्ड, ये जो है ना ये पूरे संसार में वैलिड है। ऐसा नहीं है कि आप भारत में रहोगे तो ये वैलिड होगा और आप अगर किसी दूसरे स्टेट में चले जाओगे तो वैलिड नहीं होगा। तो इसीलिए हम कहते हैं क्या कि ऐसा यूनिट जो है ना वो पूरे वर्ल्ड के लिए वैलिड है, इट इज एक्सेप्टेड थ्रू आउट द वर्ल्ड, और इसी पर सारी चीजें बेस्ड है। कोई भी जो चीज है वो ऐसा यूनिट के ऊपर ही बेस्ड है। तो जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे बेटा तो हम इसको ऐसा यूनिट को बहुत डिटेल में जानेंगे और उसके बाद हम मेजरमेंट को जानने की कोशिश करेंगे। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया था। अब जब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो इससे आगे पढ़ेंगे। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू।